नमस्कार, आइए बात करते हैं एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका नाम रेडमिल बिजनेस मॉल है। इसके ब्रांड एम्बेसडर है मिस्टर हरभजन सिंह, आप देख पा रहे होंगे। और ये एक बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है जिसको आपको प्ले स्टोर से और नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लेना है, राइट। और जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं, रजिस्ट्रेशन आप कर लेते हैं, लॉगिन आप कर लेते हैं, तो आपको इस तरह से अपने इसमें ऐड मनी करना होता है। और ऐड मनी आप अपने UPI से डायरेक्टली कर सकते हैं, इसके वॉलेट में ऐड मनी कर लेना है। जब आप इसके वॉलेट में ऐड मनी कर लेते हैं तो एक प्रोसेस है जो थोड़ा सा समय लेता है, और उस प्रोसेस में थोड़ा सा समय लगता ज़रूर है, लेकिन वो पैसा आप सेफली आपके वॉलेट में यहाँ पर आपको दिखाई देता है और ये सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन हो जाती है। अब आप इसकी रिसिप्ट भी आप देख सकते हैं, और इसको चाहे आप शेयर भी कर सकते हैं, जिसका आपने रिचार्ज किया, खुद का आपने रिचार्ज किया, उसको शेयर भी कर सकते हैं इसे डिजिटली। जब आपने इसको डाउनलोड कर लिया है और आपने ऐड मनी कर लिया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कितना कमीशन कहाँ से मिलता है। आपको ऊपर मेन्यू बार टच करना है और वहाँ पर आपको इसमें जा करके कमीशन एंड अर्न में देखना है, और वहाँ पर आप देखिए, आपको देखना है कि रिचार्ज पे कितना कमीशन मिलता है। जब आप इसको टच करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको वोडाफोन, अगर आप यूज़र हैं, आप जिस किसी के भी यूज़र हैं, आपको वोडाफोन पे 3.5%, BSNL पे 5%, एयरटेल पे 2.20 रुपये, आइडिया पे 3.5%, रिलायंस पे 3%, और इस तरह से अलग अलग BSNL पे 5% तक का कमीशन आपको रिसीव होता है, राइट। अब सिंपल आसान सा तरीका है रिचार्ज करने का, यहाँ पर आप देखेंगे। मैं सबसे पहले वॉलेट में आपको पैसे दिखा देता हूँ, सारा पैसा यहीं पर आता है और सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पर दिखती है। उसके बाद जब आप ये चेक कर लेते हैं और जितना भी आपकी ट्रांजेक्शन हुई है उसकी पूरी हिस्ट्री आपको यहाँ पर दिखाई देती है, जब आप ये सारी चीज़ चेक कर लेते हैं तो आपको बहुत आसान है यहाँ से रिचार्ज करना। और इसका जो कमीशन है वो इंस्टेंट आता है, और उस पैसे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पैसे को आप जो है अपने बैंक में लेकर के जा सकते हैं। क्या करना है, होम पेज पे जाना है आपको, होम पे क्लिक करना है, और होम पे क्लिक करने के बाद अपने अपने स्क्रीन को आपने स्क्रॉल करना है और नीचे रिचार्ज सेक्शन में जा करके प्रीपेड मेरा रिचार्ज है, मैं अभी रिचार्ज करके आपको दिखाने वाला हूँ। जस्ट आपको एक नंबर यहाँ पे अपना जो रिचार्ज आप कर रहे हैं, जितने का भी रिचार्ज है वो नंबर आप डालेंगे। जब आप नंबर आप डालते हैं तो प्रोसीड आपको करना होता है, और प्रोसीड करने पर आपको वो ऑटोमेटिक वो देख लेता है कि वो किस ऑपरेटर का जो है नंबर है। अगर आपने वो नंबर पोर्ट कराया है तो आप चेंज में जा करके, ऑपरेटर में जा करके उसका ऑपरेटर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पहले वो किसी और ऑपरेटर का था, आपने जो अभी ऑपरेटर उसका चेंज कराया है आप उसको वहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आपका थोड़ा सा ट्रांजेक्शन में इशू आएगा। आपने अपना अमाउंट डाल लेना है जो भी आपका है, आप यहाँ पे अपना ब्राउज प्लान भी कर सकते हैं। जैसे मैंने 99 का रिचार्ज करना है, यहाँ पे दो वॉलेट आपको दिखेंगे, एक कैश वॉलेट, एक आपका एडवांस वॉलेट। एडवांस वॉलेट आपका वो होता है जो आपको किसी के द्वारा पैसा दिया जाता है, वो भी उस वॉलेट में आता है, लेकिन आपके यहाँ पर जो पैसा ऐड किया है वो आपका जो है कैश वॉलेट में जाता है। अब आप यहाँ पर इसका कीपैड हटाएंगे और अपना 99 पे टच करके जो भी आपका रिचार्ज है उस अमाउंट पर पे कर देंगे, तो थोड़ा सा प्रोसेस होगा और ये आपका प्रोसेस हो जाएगा, और ये आपकी इस तरह से यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी। ये ट्रांजेक्शन जब सक्सेसफुल हुई है तो आप देखोगे आप इसको शेयर भी कर सकते हो, अगर आपने किसी दूसरे का रिचार्ज किया है, राइट। और नहीं तो आपको क्या करना है, अब मैं आपको इसकी ट्रांजेक्शन की कमीशन कितना मिला है वो आपको दिखाता है। जैसे मैंने आपको एयरटेल पे बताया था कि 2.20% का कमीशन मिलता है, तो आप ये चेक कर लेते हैं वो कमीशन हमें मिला है या नहीं मिला है। अब इसको हम क्या करेंगे, वॉलेट में जाएंगे और वॉलेट में जाकर के जो हमारा कैश वॉलेट है उसको टच करेंगे, और वहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा 99 का जो है वो रिचार्ज हुआ है, जो डिडक्ट हुआ है हमारे वॉलेट से, और 2.07 रुपये हमें कमीशन रिसीव हुआ है, राइट। अब आप देखोगे मैसेज भी आ चुका है। इस तरह से ये एप्लीकेशन आपने इस्तेमाल करनी है, और इस कमीशन को आपने चेक कर लेना है किस तरह से कमीशन जो आपका रिचार्ज हुआ है वो यहाँ पे आपका मैसेज भी आता है आपके पास, और तमाम सारी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं विद इन सेकेंड, ये सब चीज़ें होती हैं, और इसका कमीशन इंस्टेंटली आपके वॉलेट में आता है, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आप बैंक में भी लेके जा सकते हैं और उसका वहीं पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि बहुत बेहतरीन कमीशन जो है आपको रेडमिल की तरफ से जो है मिलने वाला है, और मिल रहा है, इंस्टेंट मिल जाता है। ये बिल्कुल RBI की गाइडलाइंस को फॉलो करता है, और इस पैसे का आप जब चाहें जब कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने बैंक में लेकर के जा सकते हैं, और नहीं तो आप इसमें जो है इस पैसे का अन्य किसी दूसरे रिचार्ज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरी सर्विसेज में रिचार्ज कर सकते हैं। उसकी डिटेल पर आप जाएंगे, प्रोसेसिंग होगा
और वो आपको पता चलेगा कि आपको कितना कमीशन रिसीव हुआ है, कितना आपका TDS कटा है, क्या हुआ है, वो सारी हिस्ट्री जो है उसकी जो डिटेल आपके पूरी फ़ोन के सामने आ जाएगी। राइट, आप देख रहे हो 2 रुपये 18 पैसे का कमीशन रिसीव हुआ, जिसमें 11 पैसे का जो है TDS डिडक्ट हुआ है और बाकी का पैसा हमारे उसमें आ चुका है। राइट, इस तरह से इसमें तमाम जो सेक्शंस हैं आप जा करके देखेंगे, जैसे बैंकिंग है, तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं, बिल पेमेंट्स हैं, इसी तरह से बहुत सारी एक्स्ट्रा सर्विसेज आप ले सकते हैं। हाँ, यदि आप इस चीज़ को रेफ़र करना चाहते हो दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में जो मैंने आपको लिंक दिया है उस पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पर आपको मेरा नंबर शो होगा, और नहीं तो मैं आपको नंबर भी दे देता हूँ, उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। आपने सिर्फ मुझे क्या करना है, आप ग्रेड लिखना है और अपना नंबर लिख देना है। आपके पास एक रेफरेंस नंबर आएगा, वो नंबर आपने मुझे देना है उसी समय, और आप तुरंत जो है आप इसको शेयर भी कर पाएंगे। नहीं तो अगर आप डायरेक्टली करते हैं और आप डायरेक्ट करने जाएंगे तो करिए, आपसे 943 रुपीज़ मांगेगा, लेकिन मैं आपको बहुत कम पैसे में, जो बिल्कुल आप सोच भी नहीं सकते, उस पैसे में मैं आपको ये रेफ़र करने के लिए भी दे दूंगा, जिससे आपकी एक रेफरल अर्निंग होगी जो लाइफ टाइम आपकी होने वाली है, यानी कि हर रेफर। थैंक यू सो